मेरा नाम पूर्णिमा है और आज हम बात करेंगे पांच टाइप के बैकग्राउंड के बारे में या पांच टाइप के बैकड्रॉप्स के बारे में जो आप अपने घर पर फोटोग्राफ निकाल के उसको एक अच्छा लुक दे सकते। कभी ऐसा होता है कि हम घर से बाहर नहीं जा पाते फोटोग्राफ निकालने, जैसे कि इंडिया में अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सब अपने घर पर हैं, पर इंस्टाग्राम अपडेटेड रखना तो बनता है। हम सबको पता है हमारा घर इतना पॉलिश्ड, इतना फोटोजेनिक नहीं है जहाँ पे हम अच्छा सा फोटोज निकाल सकते, जैसे वाइट वॉल्स या फिर अच्छी स्टूडियो लाइट या सनलाइट। तो हम इसको अच्छा कैसे कर सकते, ऐसे ही बैकग्राउंड्स के बारे में बात करेंगे और अपने फोटोज को एक क्रिएटिव लुक देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले वे से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला वे है एक प्लेन वॉल। प्लेन वॉल आपके घर पे कोई भी कलर का वॉल हो, जैसे कि ऑरेंज ग्रीन, मेरे घर पे ग्रीन वॉल्स है, मैं उसको एडिट करते हुए ठीक कर सकते हो, आप उसको कलर चेंज कर सकते हो, ग्रे कर सकते हो, वाइट कर सकते हो, बट एक प्लेन वॉल चाहिए। जरूरी नहीं है वो प्लेन वॉल में पेंट सही से लगा है या नहीं, वो आप हील कर सकते हो एडिट करते वक्त, पर प्लेन वॉल यूज करके आप एक अच्छी सी फोटो निकाल सकते हो। या फिर आपके घर पे कोई विंडोज है या बालकनीज है वो यूज कर सकते हो आप अपने बैकग्राउंड में, वो भी बहुत अच्छा लुक देते हैं। आपको मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे कि ये फोटो में मैंने वॉल यूज किया अपने घर का। मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, ये मैंने एक्सपांड किया है एडिट करते वक्त। अगर आपको उसके लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। इसको मैंने बहुत करेक्शंस किए हैं, हीलिंग की है, एक्सपांड किया है। और आपको मैं विंडोज का भी एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि ये बेड है मेरा और इसके पीछे विंडोज है, ये विंडोज को मैंने यूज किया है अपने बैकग्राउंड के लिए, ये बहुत अच्छा लुक देता है फोटो को। तो हम बात करेंगे सेकेंड वे की। सेकेंड वे है एक क्लॉथ यूज करना। क्लॉथ मतलब आपके घर पे कोई भी क्लॉथ है, जैसे कि साड़ी है या फिर दुपट्टा है, वो यूज करके आप अपने बैकड्रॉप बना सकते हो। जैसे कि अभी फिलहाल मैंने अपने बेडशीट को बैकड्रॉप बनाया है। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करोगे तो आपको ऐसे ये बैकग्राउंड में बहुत सारी फोटोज मिलेंगी। मैंने ये बैकग्राउंड में बहुत सारी फोटोज निकाली हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे कि ये फोटो में मैंने दो टाइप के दुपट्टे यूज किए, एक ब्लू और एक रेड, दोनों को मर्ज किया है। और उसके बाद जब एडिट करते हैं हम उसको, हम स्ट्रक्चर कम कर देंगे उसका, तो वो एक बॉल की तरह दिखता है। उसको आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो एडिटिंग ऐप्स में। मैं एडिटिंग ऐप्स आपको रेकमेंड करूँगी, स्नैपसीड या फिर लाइटरूम। लाइटरूम बहुत अच्छा है एडिट करने के लिए, आप वहाँ एडिट कर सकते हो। तो हम बात करेंगे थर्ड वे के बारे में। थर्ड वे, आजकल आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा बहुत लोग न्यूज़ पेपर यूज कर रहे हैं अपने बैकड्रॉप के लिए। आप न्यूज़ पेपर यूज कर सकते हो, आप बुक्स के पेपर यूज कर सकते हो। आपके बुक्स पुराने होने चाहिए, देखिए सिलेबस के बुक्स मत फाड़ना प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, ये फोटो में मैंने बैकड्रॉप के लिए अपनी पुरानी प्रोजेक्ट के पेपर यूज़ किए हैं, ये पुराने हैं पेपर, मैंने इसीलिए यूज़ किए हैं। मैंने इसको स्टिक किया है और फिर वॉल पे स्टिक करके इसको बैकड्रॉप की तरह यूज़ किया है। तो आप इस ऐसे पेपर यूज़ करके क्रिएटिव वे से अपने बैकड्रॉप्स बना सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे फोर्थ वे में। आप अपने घर पे जो सिल्वर फॉइल्स होते हैं जिससे खाना रैप करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं बैकड्रॉप्स के लिए। जैसे कि मैंने ये फोटो में यूज़ किया है, आप बहुत क्रिएटिव होके उसको पूरे फ्लोर पे डाल सकते हो या पूरे वॉल पे डाल के एक फुल साइज फोटोज भी निकाल सकते हो। फॉइल्स के लिए मैं एक टिप देना चाहूँगी, जब आप उसको क्रश करते हो तो प्लीज़ ऐसे क्रश करो उसको, ऐसे पूरे क्रश करके ऐसे गोला बना के उसको फिर ओपन करने जाओगे तो प्लीज़ वो फट जाएगा, उसमें ऐसे नहीं होगा। तो आप प्लीज़ उसको पहले ऐसे धीरे धीरे पिंच करो तो वो बराबर से क्रश हो जाएगा, उसके बाद वो अच्छा बैकग्राउंड है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ वे, ये मेरा फेवरेट है जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ अपनी रिसेंट फोटोज में। चार्ट पेपर आप यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। आप स्टेशनरी में जाओगे तो कोई भी कलर मिल जाएगा, आप जो भी है वो स्टिक करो अपने पीछे और फोटोज निकालो। उसके बाद अगर लाइन्स हैं बीच में, जैसे कि दो पेपर को आपने जोड़ा है तो फिर वो लाइन्स आप हील कर सकते हो, बट पेपर बहुत अच्छा लगता है पीछे बैकग्राउंड के लिए। जैसे मैंने भी ये सब फोटोज में यूज़ किए हैं,
और मेरा फेवरेट वे है, मैं बहुत यूज़ करती हूँ उसे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक बायो में डाला है। आप कोई फोटोज के बारे में आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।